कोरोना के खतरनाक वायरस ने एक और फिल्म कलाकार को अपने क्रूर पंजे में जकड़ लिया। फिल्म मुक्ति भवन में अपने किरदार से सबका दिल जीत लेने वाले और वाहवाही बटोरने वाले सीरियल फिल्म मेकर और अभिनेता ललित बहल का कोरोना से निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के सरिता विहार स्थित अपोलो अस्पताल में आखिरी सांस ली। ललित बहल 71 साल के थे। उन्होंने मुक्ति भवन फिल्म के अलावा यशराज बैनर तले बनी एक अलग तरह की पारिवारिक फिल्म तितली में भी अहम किरदार निभाया था। खास बात ये कि तितली का निर्देशन ललित बहल के बेटे कनु बहल ने किया था। ललित बहल के निधन की खबर सुनकर फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। उनके साथ फिल्म थिएटर और सीरियल में काम करने वाले साथी कलाकार सोशल मीडिया पर भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और एक प्रतिभाशाली कलाकार के योगदान को दिल से याद कर रहे हैं। आपको बता दें कि 15 अगस्त 1949 को जन्मे ललित बहल थिएटर के जाने माने कलाकार थे। पंजाब में कॉलेज के दिनों से ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। बाद में अपना थिएटर ग्रुप बनाया। बाद में दिल्ली आए और फिर दिल्ली से मुंबई का सफर तय किया। वो सफल डायरेक्टर के साथ साथ एक नामी प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने दूरदर्शन पर तपिश, आतिश और सुनहरी जिल्द जैसे सीरियलों का निर्देशन और निर्माण किया था। उन्होंने अफसाने जैसे सीरियल में अभिनय भी किया था। साल 2019 में उनकी फिल्म जजमेंटल है क्या रिलीज हुई थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी नवनिंद्र पहल भी एक जानी मानी डायरेक्टर, राइटर और अभिनेत्री हैं। उनके बेटे कनु बहल ने कई फिल्में सफलतापूर्वक डायरेक्ट की हैं। ललित बहल जैसे कलाकार किसी भी फिल्म को अपनी प्रतिभा से एक ऊंचाई प्रदान करते हैं। सिनेमा की सार्थक धारा उनके जैसे कलाकारों की पहल पर आगे बढ़ती रहती है। ललित बहल को पिक्चर प्लस भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। पिक्चर प्लस, जिंदगी का बायोस्कोप।